यह है एक मिड रेंज पैड जो कि पावरफुल चिपसेट के साथ आता है ताकि आप हाई एंड मीडियम सेटिंग पर गेम प्ले कर पाओ। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडमी पैड के बारे में और इस वीडियो में जानेंगे कि Xiaomi ने इस रेडमी पैड के अंदर क्या पैक किया है और साथ ही साथ जानेंगे कि कम बजट में फीचर लोडेड है या नहीं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं ARS ग्लोबल इन्फो। तो आइए तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो MediaTek Helio G99 6nm पर बेस्ड है, पावरफुल चिपसेट है, सो डेट इज गुड। इस पैड के लुक एंड डिजाइन के बारे में कहूँ तो वेरी नाइस लुक एंड डिजाइन, पोको डिजाइन की तरह लगता है। पोको F4 को देखे हुए तो सेम इसी की तरह लगता है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। पैड में स्क्रीन गार्ड नहीं दिया गया है, बैग जो है वो प्लास्टिक का है और साइज जो है वो फ्लैट है। क्वाड ग्रिल से आता है ऊपर की तरफ दो और नीचे की तरफ दो, डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में SD कार्ड ट्रे और दो माइक्रोफोन्स। डिस्प्ले की बात करें तो बड़ी डिस्प्ले है, अच्छी डिस्प्ले है, 10.61 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले आता है जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देता है। और एक बात ये कि 10 बिट पैनल है, सो कलर डेप्थ भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। बैटरी के बारे में बात करूं तो 8000 mAh की बड़ी सी बैटरी और 18 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों इसका परफॉर्मेंस, G99 होने की वजह से दोस्तों दिस कैन ऑल्सो बी लुक्ड एट बजट गेमिंग डिवाइस, क्योंकि अगर इसका अंतुतु स्कोर देखोगे तो 3,45,000 के आसपास आता है। इसमें तीन अलग अलग वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आता है। OS के बारे में बात करूं तो MIUI 4 टैब आता है, 2 साल के OS अपडेट मेजर अपडेट मिलने वाले हैं। Android 12 है मतलब के 13 एंड 14 मिलेगा एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेगा। ओनली Wi-Fi वेरिएंट एंड नो LTE वेरिएंट। वैसे LPDDR4X RAM टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, इट्स आल्सो डिसेंट। गेमिंग वगैरह मीडियम सेटिंग पर अच्छी तरह से खेल पाओगे। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो क्वाड स्पीकर आता है जो डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है, दे आर वेरी वेरी गुड। अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो तो वाइड 1.11 का सर्टिफिकेशन है लेकिन HDR नहीं दिखेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, फेस अनलॉक है, कनेक्टिविटी में डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट। वैसे जनरली टैबलेट्स में IP सर्टिफाइड नहीं होते हैं लेकिन ये IP52 सर्टिफाइड है बट नॉट वाटरप्रूफ। कैमरा के बारे में बात करते हैं तो बैक और फ्रंट दोनों में 8 मेगापिक्सल मिलता है। सबसे अच्छी बात ये है कि 15,000 प्राइस रेंज में जनरली आपको 680 Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर वाले टैबलेट्स मिलते हैं। 15-16-17 हजार में G99 इज अ बेटर प्रोसेसर देन दैट डेफिनेटली एंड इवन पावर इफिशियंट, तो परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छा है। 15-16 हजार में ये टैबलेट अच्छा है। तो फाइनली अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो 6128GB 19999 में, 4128GB 17999 में और 364GB 14999 में। तो ये था रेडमी पैड, आप बताइए आपको ये कैसा लगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली होगी, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।